वैष्णवी इजी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक हेल्दी चूरन बनाऊंगी। चूरन बनाने के लिए सभी सामान आपके किचन में बहुत आसानी से मिल जाएंगे, जो आप डेली सब्जी और दाल में यूज करते होंगे। इसमें मैं जीरा डालूंगी। जीरा एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें विटामिन भी पाया जाता है, आयरन भी होता है, और जीरा पेट से जुड़ी सभी परेशानियाँ दूर कर सकता है। बीपी कंट्रोल होता है, वजन कम हो सकता है अगर आप इसे डेली इस्तेमाल करते हैं तो। और सौंफ डालूंगी। सौंफ में काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। फाइबर की वजह से कोलेस्ट्रॉल खून में घुलने नहीं देता है। बहुत ही हेल्दी चूर्ण बनेगा। धनिया यूज करूंगी। धनिया भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। शरीर से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, बहुत सारे बीमारियों से बचाता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। इस तरह से सभी मसाले हेल्दी हैं। इन मसालों में विटामिन, आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स, इस तरह के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पेट से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। बीपी, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है यदि आप ध्यान देंगे खाने पीने पर। जैसे आप सलाद खाएँ, हरी सब्जियाँ खाएँ और जूस पिएँ तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे। अगर पेट सही रहेगा तो बहुत सारे बीमारियों से हम बचे रहते हैं। पेट के वजह से वज़न भी बढ़ता है। पेट सही रहता है तो वज़न बढ़ता नहीं है। हमारी स्किन पर ग्लो आता है, बाल नहीं झड़ता है, सभी परेशानियां दूर होती हैं। पेट ही सही रहना चाहिए। तो इस चूरन को आप इस्तेमाल करेंगे तो पेट से जुड़ी परेशानियां आपकी दूर होंगी। तो चलती हूँ, बना लेती हूँ आज चूरन। सबसे पहले मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे कम आँच पर। इसमें हम 2 चम्मच सौंफ डालेंगे। सौंफ में काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। फाइबर की वजह से कोलेस्ट्रॉल को खून में घुलने नहीं देता है। 2 चम्मच हम जीरा डालेंगे। जीरा हमारे पेट से जुड़ी सभी प्रॉब्लम को दूर करता है, कब्ज दूर होती है, बीपी कंट्रोल करता है। और 2 चम्मच हम इसमें धनिया डाल लेंगे। धनिया में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में मदद करता है और संक्रमण से बचाता है। 1 चम्मच हम मेथी दाना डालेंगे और 1 चम्मच ही हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन और मेथी दाना 1-1 चम्मच। बाकी के मसाले हम 2-2 चम्मच ले लिए हैं। मेथी दाना में काफ़ी मात्रा में मिनरल्स, विटामिन ए, विटामिन बी सी पाया जाता है। डायबिटीज में बहुत फ़ायदा करता है ये। लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अजवाइन पाचन शक्ति सही रखती है, गैस नहीं बनती है। अजवाइन में फाइबर और कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। धीमी आंच पर मसालों को भूनें। जब मसाला ठंडा हो जाए तो इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। मसाला हमारा भून चुका है, थोड़ा ठंडा करके हम पीस लेंगे। बहुत ही अच्छे मसाले हैं। पेट से जुड़ी हर समस्या दूर होती है। खट्टी ढकार, पेट फूलना और गैस बनना सब खत्म हो जाएगा। बस 1-2 दिन आप यूज करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच भर के काला नमक डालेंगे। काला नमक पाचन सही रखता है, मोटापा कम करता है। और 1/4 चम्मच हम इसमें हींग डालेंगे और 1 चम्मच भर के हम सौंठ पाउडर डालेंगे। हींग पीरियड का दर्द कम करता है और नियमित रूप से पीरियड आने लगता है। मसाले हम पीस लिए हैं। कोई भी आप एक कांच का बर्तन ले लें, इसमें नमी न हो, धोकर अच्छी तरह से सुखाकर मसाले इसमें भर लें और 1.5-2 महीने तक इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह सुबह आप इसे खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच ले सकते हैं, लगभग 5 ग्राम। और इतना ही आप शाम को भी खाना खाने के आधा घंटा बाद लें, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। जब पेट सही रहता है तो आपका बाल और स्किन बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। बाल झड़ेंगे नहीं, स्किन पर ग्लो आता है। पेट ही सभी बीमारियों का जड़ होता है। अगर गैस न बने, पेट फूले ना, तो हम हेल्दी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे बीमारियों से बचे रहते हैं। एक बार इसको इस्तेमाल करके आप देखें, बहुत फ़ायदा करता है। तो इस तरीके से आप हेल्दी चूरन तैयार करें। इसमें कोई मिलावट नहीं है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। आप इसको ले सकते हैं। इसको लेने से आपकी बीपी और डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा, वज़न भी नहीं बढ़ेगा, वज़न जल्दी से कम होगा।
आप तली भुनी चीज़ें कम खाएंगे तो वज़न बहुत जल्दी से कम होगा। आप सलाद और हरी सब्जियां, फल खाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इस चूरन के लेने से वज़न भी कम होता है और पेट साफ़ रहता है, खट्टी डकार नहीं आती है। अगर पेट सही रहता है तो हम हर तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं और हमारे स्किन पर बिल्कुल ग्लो आता है, बाल एकदम सही रहता है, बाल भी नहीं झड़ता है। अगर हमारा शरीर ठीक रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं, स्किन और बाल अपने आप अच्छा रहता है, बाल झड़ता नहीं है। अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज़, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेंगे तो हमारी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहेंगे। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।